हम लोग जितने भी सब जितने भी सामाजिक जो लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है ये होती है कि वो अपनी गारंटियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पाता, बैलेंस नहीं कर पाता। देखते कुछ है, समझते कुछ है, बोलते कुछ है, सुनते कुछ है ना, समझते कुछ है, बोलते कुछ, महसूस कुछ करते हैं, प्रतिक्रिया कुछ देते हैं। ये बड़ी समस्या है, सुनाइए दोस्तों, इसे इस कहानी में समझिएगा। और चूंकि सिक्स सेंस जो है, छठी जो ज्ञानेंद्रिय है, हम कॉमन सेंस से पूछ सकते हैं इसका यूज इसमें क्या है। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ और आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट, मनोचिकित्सक जो है वो करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या हुआ, इस टेस्ट में कि अच्छा जनरली हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कुछ ऐसे प्राणियों के लिए रहते हैं जो हमसे सिमिलर है। जैसे मैं इस टेस्ट में जिसको शामिल कर रहा हूं वो बंदर है, आपको पता है हमारे तो पूर्वज ही बंदर थे, ऐसा कहा जाता है, बताइए होमो सेपियंस उनसे पहले जो थे जितने, मतलब हम उन्हीं से परिवर्तन होके और आज हम इस रूप में आए हैं, इंसानों के रूप में आए। तो बंदरों के ऊपर भी टेस्ट हुआ, समझिएगा इस कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण, शायद कुछ ना कुछ रोल प्ले करे आपके जीवन में और अभी जो डर मन में है डर उसको निकालने में मदद करे। क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक पिंजरे में पांच बंदरों को कैद कर दिया और वो एक बड़ा सा पिंजरा था उसने पांच बंदरों को कैद कर दिया और ऊपर से पिंजरे को खाली रखा, वो ओपन रखा और बीच में एक सीढ़ी भी रखी ताकि बंदर आराम से चढ़े होकर और ऊपर उस गोले तक पहुंच सके, उस जो ऊपर जो ओपन है वहां तक पहुंच सके। मगर सवाल ये था कि भाई बंदर है वो ऊपर सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर क्यों जाएंगे, है ना, वो तो अपनी अटर मस्ती में, इसलिए क्या कहा ऊपर केले टांग दिए। अब उनको एक कारण मिल गया ऊपर चढ़ने का और उस गोले तक पहुंचने का, ओपन जगह जो ऊपर शेर है वहां तक पहुंचने का कारण क्या मिल गया उनको, केले कर लिया केले। अब पांचों बंदरों में सबसे पहले एक बंदर की नजर पड़ी कि यार ये जो केले हैं तो ये तो मनपसंद चीज आ गई, सब बंदर जो लगे हुए इतने उतरे ना कि केले और वो दौड़ पड़ा सीढ़ी की तरफ ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी से ऊपर उस गोले तक पहुंचने लगे, उस खेत तक पहुंचने लगे ताकि केले ले सके, केले ला सके। वो जैसे बढ़ने लगा और चार बंदरों ने देखा कि अरे ये तो सीढ़ी की तरफ दौड़ रहा है केले की तरफ, उसको रोकने के लिए वो दौड़े बना, वो भी केले के लिए दौड़े, जैसे केले दौड़े तो एक बंदर और केले तक पहुंच गया, उस खेत तक पहुंच गया और हाथ बढ़ गया था, जैसे हाथ बढ़ा था ऊपर से पिंजरा बंद हो गया, पिंजरा बंद हुआ और वो जो पांचों बंदर तो उनको पांचों बंदर को बिल्कुल ठंडे पानी से मिला दिया गया। वो दूसरे बंदर क्यों, क्योंकि केले लेने की उनने कोशिश करी, जब से दो घंटे से कोई कुछ दिक्कत नहीं थी, केले लेने की कोशिश करी और ठंडा पानी उनके ऊपर आती गिरा दिया, सब नॉर्मल हुए, छेद को फिर खोल दिया गया, उसको ओपन कर दिया गया, ऊपर से गिरे पांचों बंदर थोड़े बहुत सूखे थे, थोड़े बहुत गिरे थे, दो घंटे बाद एक बंदर ने फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया क्यों आया वापस से केले लिए गया और वो फिर धीरे धीरे केले की तरफ दौड़ा, सीढ़ी की तरफ दौड़ा, जैसे सीढ़ी की तरफ दौड़ा जैसे केले का काम था वैसे वापस पिंजरा बंद कर केले फिर वो ले पाया। मगर क्या हुआ इस बार वो लेने वाला था अकेला केला, वो चारों पिंजरा नीचे बंदर थे, मगर क्या हुआ जैसे ही वो केला लेने वाला था पिंजरा बंद हुआ वैसे जैसे नीचे वो आया वापस से पांचों के ऊपर पानी के वो पानी मारा, ठंडा पानी बिल्कुल आइस वाला, वो फिर ठंडा हुआ फिर भूल गए फिर घबरा गए। तीसरी बार फिर ये प्रोसेस हुई दो चार घंटे बाद, छह घंटे बाद फिर एक बंदे ने सोचा यार अब तो नॉर्मल हो गया सब माहौल, शायद कोई हेवी प्रॉब्लम ना आपके लिए, यहाँ केले लटक रहा है वहां खड़ा वाला तो केले बंदे मनपसंद चीज है वो करना है वो चीज तुमको खाना है। एक एक बंदे ने फिर ट्राई किया, जैसे ही वो ट्राई करने के लिए ऊपर गया वापस से फिर पिंजरा पेट कर दिया गया, सुनिएगा भैया सर फिर पिंजरा पेट कर दिया, जैसे पिंजरा बंद करा वो बंदा जैसे नीचे गिरा उतरा वापस पांच के ऊपर पानी की गोशा आइस ठंडा पानी की, ये चीज दो तीन बार हो गई। अब बंदर को समझ में आ गया, उन पांचों को ये समझ में आ गया अगर गलती इस लेकिन सीढ़ी को चढ़े और वो केले की कोशिश करी किसी ने तो सारा सबको सजा मिलेगी पांचों। फाइनली आगे क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं तो उनमें से पांचों में से एक पुराने बंदर को बाहर निकाल देते हैं केले से और एक नया बंदर उसको डालते हैं। अब जो नया बंदर पिंजरे में जाता है तो वो जो बंदर है
वो ये देखता है कि चार जो मंदिर है बाकी के वो मस्ती में लगे हुए हैं, एक दूसरे से छीना छपटी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब उसकी नजर जाती है हम केलों की तरफ, वो जो केले भाई पिंजरा खुला हुआ है, बीच में सीढ़ी रखी हुई है और केले लग रहे हैं, तो देखते हैं ये लोग केलों की तरफ नहीं जा रहा है। तो वो मतलब कोशिश करता था, कोशिश करता है कि सबसे पहले केले ले लाऊ, वो सीढ़ी में जैसे चढ़ता है केलों की तरफ लपकता है, उससे पहले ही बाकी के बंदर वो उसे उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींचते, जैसे नीचे खींचते हैं और उसकी बुनाई कर देते हैं, उसको मारते हैं कि भैया ये ऊपर ले रहे ये केले ले रहे नहीं जा रहे। उस बंदर को ये तो समझ नहीं आता कि केले ले लूंगा तो होगा क्या, मगर उसको ये समझ आता है अगर मैं ऊपर चढ़ा तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे ये सब मारे। आगे क्या करते हैं, एक दूसरे बंदर को पुराने दूसरे बंदर को बाहर निकाला जाता है और एक नया दूसरा बंदर उस पिंजरे में डाला जाता है। जब नया बंदर उस पिंजरे में डाला जाता है तो वो जो नया बंदर है वो भी उस पर क्या केले है सीढ़िया है पूरी व्यवस्था है, बस लोग पानी के लिए तोड़ते यानी वो भी चढ़ता है लपकता है केलों की तरफ। वो जैसे ही चीज करता है वो बाकी के चार जो बंदर है जिसमें एक नया बंदर भी शामिल था पहले वाला, वो चारों के चार उसको पकड़ के खींचते नीचे गिराते हैं और उसकी बुनाई करते हैं। यहां पर एक विशेष चीज ये होगी कि वो जो पहले नंबर का बंदर था जिस बंदर को रिप्लेस किया गया था जो नया बंदर, वो नया बंदर भी इसको पीटने में शामिल होता है, जबकि जिसको पता ही नहीं खुद को नहीं पता कि अगर मैं केले नहीं लूंगा या ये केले अगर ले लेगा तो होगा क्या, और वो तो शामिल नहीं। यहां क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति को दूसरे बंदर को भी समझ आता है कि यार अगर मैं चढ़ा केले लेने के लिए तो यहां बुनाई हो जाएगी, यहां अपनी फिटनेस हो जाएगी। दूसरे बंदर को भी ये नहीं पता कि अगर लूंगा केले तो होगा क्या। मनोविज्ञान क्या करते हैं, तीसरे बंदर को भी बाहर करते हैं नया बंदर, ऐसे करके ये सीधे चल करता पांचों बंदर तक, मतलब होता क्या है पांच के पांचों बंदर पुराने बाहर हो जाते हैं पिंजरे से और पांच के पांचों जो नए बंदर होते हैं वो पिंजरे के अंदर होते हैं, और वो भी एक ही चीज करते हैं पांचवे के साथ छठे के साथ। तो यही चीज करते हैं कि जब भी कोई नया बंदर पिंजरे में आता है और वो केलों की तरफ लपकता है तो बाकी सारे बंदर उसको रोकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उन बाकी बंदरों को भी नहीं पता कि अगर हम केले ले लेंगे तो होगा क्या। हमारे सभी के साथ भी यही हो रहा है, हम सभी के साथ ये कैसे हो रहा है कि हम जब भी कोई ऐसा सपना देखते हैं जो अप्रत्याशित हो अनप्रेडिक्टेबल हो, हम जब भी कोई ऐसा प्रयास करने की सोचते हैं जो हजारों के आसपास की जो पब्लिक है उससे अलग भिन्न हो, उनकी सोच से विपरीत हो, सोच से परे हो, तो वो सभी लोग आपको रोकने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं, अरे ये नहीं हो पाएगा, अरे ऐसा नहीं हो पाएगा, अरे ये तो हो नहीं सकता, अरे ऐसा तो होता ही कहा, अरे ये तो विपरीत है इस नियम के रूप में, वो सब भी यही बात है। जबकि वास्तविकता में वे सभी लोग बेबंधन हैं, जिनको पता ही नहीं है कि अगर मैं ऐसा करूंगा भी सही तो फिर होगा क्या, रिजल्ट होगा, मतलब उनका दूर दूर तक उन क्षेत्रों से मतलब नहीं होता, जिन क्षेत्रों की तैयारी जिन क्षेत्रों के आप काम करने वाले हो, जो सपने आप देख रहे हो वो उन्होंने कभी नहीं देखे, फिर भी वो आपको रोकते हैं हर्डल से। हो सकता था यहां पे कि वो जो छठा कोई भी बंदर जो केले लेता उस छठे बंदर को पांच लोगों के साथ पांच बंदरों के साथ यही चलते नए बंदर थे उनमें से अगर कोई लेता उसको पानी की बुछार सामने ही नहीं रखना, हो सकता था उसको वो केले स्वतः ही मिल जाते, मगर यहां क्या हुआ, यहां यह हुआ एक रूढ़ीवादी सोच जो चली आ रही थी उन बंदरों की उसको उन सबने फॉलो किया और उस वो जो रूढ़ी नया बंदर आता उसको उन्होंने रोकने का प्रयास, आपको ऐसे बंदरों की बातों में नहीं आना, आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, हमें हमने जो सपने देखे मैंने आपको बताया था पांच ज्ञानेंद्रिय हमारे पास है, देखना सुनना सूंघना महसूस करना त्वचा के माध्यम से और स्वाद, ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को हमें हमारी बुद्धि से बैलेंस करना है, हमारे जो सिक्स सेंस होता है उससे बैलेंस करना है। जब हमने पांचों ज्ञानेंद्रियों को हमारे सिक्स सेंस के साथ बैलेंस किया तो आप यकीन मानिए सफलता आपके कदम चुनेगी,
ये मान लीजिए कि आप उसके आज कोई केस पर नहीं है, इनके बीच सामंजस्य बैठा के, इंजीनियरिंग के बीच और आपके बुद्धि के बीच सामंजस्य बैठा के जब आप कोई केस पर लेंगे और आप उसके लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये आप मान लीजिए जो ईश्वर ने आपके लिए लिख दिया वो हो नहीं, बस आपको ऐसे लोग जिनको कि किसी प्रकार कोई नॉलेज नहीं है और जो सिर्फ उन मंदिरों का रोल प्ले कर रहे हैं जिनको खुद को नहीं पता कि क्या करना है, क्या होना है, कैसे करना है, उन लोगों को अगर उन लोगों को इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़ते हैं यकीन मानिए आप नया गेट नहीं मान सकते।